हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके पेपर टू की जो स्ट्रेटेजी है वो कि आपको एग्जाम क्लियर कैसे करना है। सारी की सारी इंफॉर्मेशन एग्जाम भरने से लेकर सीटेट कब होता है, सीटेट भरने के बाद आप कौन से एग्जाम दे सकते हैं, कितना स्कोर आपको लाना है, नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं, पेपर कैसा होता है, आपको कैसे क्लियर करना है एग्जाम, क्या स्ट्रेटेजी बनानी है, कोचिंग ज्वाइन करना है कि नहीं, सेल्फ स्टडी करनी है तो कैसे करें, किस पोर्शन पे कितना ध्यान देना है, मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहेगा पोर्शन वाइज सेक्शन वाइज, तो सारी की सारी कंप्लीट इंफॉर्मेशन इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपके सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाए। तो इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि आपके जितने भी कमेंट्स आते हैं सीटेट पेपर टू से रिलेटेड सारे के सारे यहाँ पर क्लियर हो जाए। तो अगर आप पेपर वन की भी तैयारी कर रहे हैं और अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो भी आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, उसको देखना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो, कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज हो, कोई भी लाइव लेक्चर हो, सारी की सारी कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको मिल जाए। तो देखते हैं सीटेट होता क्या है। सीटेट है बेसिकली सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है। ये किसी भी जॉब की गारंटी नहीं देता है, लेकिन ये क्या है कि आपको इस बेस के जब अगर आप क्लियर कर लेते हैं सीटेट तो इसके बेस पर आप बाकी एग्जाम भी फिल कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं कि क्या है सीटेट में। सीटेट सीबीएसई कंडक्ट करता है और हर साल दो बार सीटेट कंडक्ट होता है, एक बार जुलाई में और एक बार जो आपका होता है वो होता है आपका दिसंबर में। तो सीबीएसई कंडक्ट करता है और इस एग्जाम को लाखों बच्चे हर साल देते हैं। सीटेट किसी भी टीचर बनने के लिए एलिजिबिलिटी टेस्ट है, तो अगर आपका सपना है टीचर बनने का तो सीटेट आपको देना चाहिए। सीटेट गवर्नमेंट जॉब के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है और अच्छे प्राइवेट टीचर के लिए भी। अगर आप गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं तो सीटेट के बेस पर ही आप आगे के फॉर्म फिल कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपको एनवीएस में जाना है या केवीएस में आप जाना चाहते हैं या DSSS है, तो उन फॉर्म्स को आप अगर सीटेट क्वालिफाइड है तो आप फिल कर सकते हैं। और अच्छे स्कूल्स जो कि अच्छी सैलरी देते हैं प्राइवेट टीचर्स को, तो उसके लिए भी वो स्कूल्स सीटेट की डिमांड करते हैं, तो आपका सीटेट क्वालिफाइड होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि कितना मार्क्स लाना है, सीटेट हमें क्लियर करना है, सीटेट में हमें कितना स्कोर करेंगे कि वो क्लियर हो जाएगा। तो 60% स्कोर करना होगा आपको कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो, यानी कि 150 में से 90 मार्क्स आपको स्कोर करने होंगे। बात करें अगर रिजर्व कैटेगरी की तो आपको 55% मार्क्स स्कोर करने हैं आउट ऑफ 150, चाहे आप एससी हैं, बीसी हैं या एसटी हैं। सीटेट क्वालिफाइड करने के बाद आप केवीएस, एनवीएस, DSSS, आर्मी स्कूल्स, गवर्नमेंट टीचर के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो नेगेटिव मार्किंग सीटेट में नहीं होती है, ए बिग नो, हमेशा याद रखे इस बात को, क्योंकि इंपॉर्टेंट होता है जब भी आप किसी एग्जाम को दे रहे हैं और आपको पता है कि सीटेट में या किसी भी एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। और अगर आप एक दो मार्क्स से रह भी रहे होते हैं तो आपका लक यहाँ पर काम कर जाता है। किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपको उसका सिलेबस पता होना चाहिए, आपको उसका एग्जाम पैटर्न पता होना चाहिए, कौन सी बुक्स आप रेफर करेंगे, कैसे आपको सेक्शन वाइज तैयारी करनी है, सारी इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। तो वही कंप्लीट इंफॉर्मेशन हम इस वीडियो में यहाँ पर देखें। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, खासकर कि अगर आप टीचर बनना चाहते हैं, टीचर की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो DSSS है, सीटेट है, केवीएस है, एनवीएस है, किसी भी स्टेट का टेट है, एसटेट, सुपर टेट, यूपी टेट, बिहार टेट, तेलंगाना टेट, तो आपको हमसे स्टडी मटेरियल ऑर्डर कर सकते हैं। आप ऑर्डर करने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर 8447410108।
स्टडी मटेरियल का रिव्यूज और हमारा रिजल्ट आपको पता ही है। अगर आप हमसे जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको है। अगर आप नए हैं इस चैनल पर, आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है तो चैनल पर आपको वीडियोस मिल जाएंगी, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता देती हूँ कि जो लास्ट सीटेट हुआ था उसमें हमारे 307 कैंडिडेट्स ने सेलेक्ट हुए हैं, जिन्होंने सिर्फ ऑनलाइन वीडियोस के थ्रू या फिर हमारी जो आपको लिंक मिल जाएगा पीडीएफ है पैडागोजिस की, उनके थ्रू और स्टडी मटेरियल के थ्रू जिन्होंने 307 बच्चों ने क्लियर किया है सीटेट। तो ऑर्डर करने के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। हमारा स्टडी मटेरियल ऑल ओवर इंडिया पूरे भारत को कवर करता है और आपको कॉलेज के द्वारा मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं कि आपका ये आपका फर्स्ट का मैंने लगा दिया गलती से, तो इसमें आपका क्या होता है सीडीपी लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 और आपके पास ऑप्शन होता है मैथ एंड साइंस आता है और एसएसटी का आता है। तो 150 क्वेश्चंस होते हैं आपके, 150 नंबर के होते हैं और 150 ही आपके मिनट होते हैं। तो एमसीक्यू पेपर होता है आपका। पोर्शन वाइज देखिए तो सबसे पहला पोर्शन है आपका सीडीपी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, इक्वली इंपॉर्टेंट है दोनों ही पेपर के लिए, अगर आप पेपर 1 दे रहे हैं तो भी और पेपर 2 दे रहे हैं तो भी। 30 क्वेश्चंस होंगे, 30 मिनट में करने हैं आपको और 30 नंबर आपके लिए इसमें मिल जाते हैं अगर आपके 30 के 30 क्वेश्चंस ठीक है तो। सब्जेक्ट का इंटेंट क्या है, सीडीपी क्या है, क्यों इंक्लूड की गई है, आप जब भी किसी टीचिंग एग्जाम को देते हैं तो सबसे पहले आपको सुनने को मिलता है पेडागोजी, हाँ क्यों है ये पैरागोजी। तो अगर जो भी बच्चे टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं अभी भी, अगर आपने सीटेट के एग्जाम दिए हैं लेकिन फिर भी आप क्लियर नहीं कर पाए हैं, आपको किस पे फोकस करने की जरूरत है, पैरागोजी पर। क्योंकि हम में से काफी बच्चे क्या गलती करते हैं कि हम कंटेंट देखते हैं, कंटेंट पे रह जाते हैं और कंटेंट जो सीटेट में आता है वो आता है आपका सिर्फ 40%। तो अगर आप 40% ही तैयारी कर रहे हैं तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका 60% मार्क्स आएंगे, क्योंकि 60% जो आपकी आती है वो आती है उसमें पैडागोजी। कैसे वो भी हम इस वीडियो में लास्ट तक देखेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको आपके सारे क्वेश्चंस के जवाब यहाँ पर मिल जाए। तो इसका जो उद्देश्य होता है सीडीपी का, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी का, वो होता है कि वो आपकी नॉलेज चेक करते हैं चाइल्ड साइकोलॉजी की, कि आपको चाइल्ड साइकोलॉजी की कितनी नॉलेज है। यू शुड रिवाइज द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, तो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें तो हमारे हैं स्टेज ऑफ चाइल्ड, स्पेशल नीड क्या है चाइल्ड की, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि थिंकर्स एंड थॉट्स। तो हर साल 5 से 8 क्वेश्चन आपको थिंकर एंड थॉट के देखने को मिलते हैं सीडीपी में। तो आप जितनी कोई भी एग्जाम आप उठा के देख लीजिए सीटेट का 2019, 2018, 2017, तो आपको सीडीपी में मोस्ट जो क्वेश्चन है वो इस टाइप के ही मिलते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं आपके, तो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं आपका सीडीपी, सीडीपी आता है आपका 15 नंबर का अगर आपका प्राइमरी स्कूल चाइल्ड के क्वेश्चंस उसमें होते हैं, 5 नंबर के आपके क्वेश्चंस आते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन के, लर्निंग एंड पेडागोजी की बात करें तो क्वेश्चन आपके में से रहते हैं 10 क्वेश्चन। तो इस तरीके से टोटल 30 मार्क्स का आपका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अगर आप हिंदी ले रहे हैं लैंग्वेज 1 या लैंग्वेज 2 आप चूज कर सकते हैं। कैसे आपको चूज करनी है लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको चैनल पर मिल जाएगी, उसकी वीडियो है वहां पर, वो आप देख सकते हैं। सिंपल सा रूल ये होता है कि लैंग्वेज 1 का एग्जाम थोड़ा सा टफ होता है कंपेयर टू लैंग्वेज 2, तो हमेशा वो लैंग्वेज आप चूज कीजिए जो आपको अच्छे से आती है, जिसमें आप कॉन्फिडेंट हैं। आप हिंदी में कॉन्फिडेंट है तो लैंग्वेज 1 हिंदी रखिए, इंग्लिश में कॉन्फिडेंट है तो इंग्लिश रखिए, पंजाबी में कॉन्फिडेंट है तो पंजाबी रखिए। इसी तरीके से जो भी लैंग्वेज आपको लगती है कि आप उसमें कॉन्फिडेंट है तो वो लैंग्वेज आप रखिए लैंग्वेज 1 में। लैंग्वेज 1 आपका कॉमन है अगर आप हिंदी ले रहे हैं तो पेपर 1 और पेपर 2 के लिए, दोनों के लिए ही आपको 30 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, 30 मिनट मिलते हैं, ठीक है। और आपका हिंदी सेक्शन में एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है, एक पोएम मैसेज होता है, ग्रामर का पोर्शन होता है और 15 नंबर की आपकी होती है पेडागोजी। तो हर एक सब्जेक्ट के साथ, चाहे वो हिंदी है, इंग्लिश है, आपका मैथ साइंस है, एसएसटी है, या अगर आप पेपर 1 तो ईवीएस है, तो सब में आपका 50-50 डिवाइड होता है कंटेंट एंड पेडागोजी में।
तो अगर देख लेते हैं कि कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है हिंदी का। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपकी रहेगी 10 नंबर की, 5 से 10 नंबर का आपका आता है पोयम का सेक्शन, और पेडागोजी क्वेश्चंस आपके 10 से 15 नंबर के। इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज भी आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, पेपर 1 के लिए भी और आपके पेपर 2 के लिए भी। 30 क्वेश्चंस आपके आते हैं, 30 मिनट में आपको उसको आंसर करना होता है और 30 ही आपको उसमें मार्क्स मिलते हैं। इसमें भी आपका जो 15 नंबर का रहता है पोर्शन, वो आपका रहता है आपका इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पोयम, ग्रामर का, और 15 नंबर का आपका रहता है पैडागोजी का। इंग्लिश क्लियर करने के लिए आपके पास जो है वैकैब आपकी स्ट्रोंग होनी चाहिए। तो वैकैब स्ट्रोंग करने के लिए आपको क्या करना है, अपने आपको हैबिट डालनी है कि कम से कम 10 नए क्वेश्चंस, 10 नए वर्ड्स आप सीखेंगे। तो उसके लिए हम भी वीडियो आपके लिए जल्दी लेके आएंगे और हम ट्राई करेंगे कि हर रोज कम से कम 10 जो है वर्ड हम आपको हर रोज सिखा पाए। डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो सेम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपका होता है 10 नंबर का, 5 से 10 नंबर आपके होते हैं रीडिंग पोएम्स के, पैडागोजी क्वेश्चंस आपका आता है 10 से 15 नंबर का। नेक्स्ट पोर्शन देखते हैं, तो नेक्स्ट पोर्शन है हमारा आपका फर्स्ट के लिए है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मैथ आपका पेपर 2 में आता है, तो इसमें आपको 30 क्वेश्चंस आपको सोल्व करने होते हैं, 30 नंबर के होते हैं, जिसमें से 15 से 20 आपके होते हैं कंटेंट के और 15 से 20 होते हैं आपके पैडागोजी के। तो जनरली 15-15 मार्क्स का ही मिलता है आपको कंटेंट 15 नंबर का और आपकी पैडागोजी 15 नंबर। बात करें साइंस की, तो साइंस में भी आपका सेम होता है, साइंस में आपका रहेगा 15 नंबर का आपका जो है कंटेंट और 15 नंबर का आपका रहेगा पैडागोजी। तो ये आप देख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, 15 से 20 नंबर के टॉपिक और 15 से 20 नंबर की आपकी रहेगी पैडागोजी। नेक्स्ट अगर आप ले रहे हैं सोशल साइंस, ये तो हमने बात की मैथ साइंस, अगर आप मैथ चूज करते हैं, मैथ एंड साइंस आपका ऑप्शन होता है, या फिर आपका दूसरा ऑप्शन होता है एसएसटी। तो मैथ और साइंस की हमने बात कर ली है, एसएसटी हम देख लेते हैं कि एसएसटी में क्या होता है। अगर आप एसएसटी देख रहे हैं तो एसएसटी में आपका रहेगा कि सीटेट में ये आपका पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है और स्कोरिंग सब्जेक्ट है। जैसे कि पेपर 1 में आपका ईवीएस स्कोरिंग सब्जेक्ट है, सेम वे में आपका पेपर 2 में जो है एसएसटी स्कोरिंग है। तो चलिए देख लेते हैं इसमें क्या है। तो सोशल साइंस एंड पॉलिटी, इसमें से आपका रहेगा 12 से 14 क्वेश्चंस। ज्योग्राफी में आपके रहते हैं 8 से 10 क्वेश्चंस। करंट अफेयर्स में आपके रहते हैं 5 से 6 क्वेश्चंस। हिस्ट्री में आपके आते हैं 12 से 15 क्वेश्चंस। मिसलानियस में आपके जैसे इकोनॉमी या करंट अफेयर के पोर्शन, जनरल अवेयरनेस जो आप बोल सकते हो, 6 से 8 क्वेश्चंस। आप देखेंगे इसमें क्वेश्चंस ज्यादा हैं, क्यों? क्योंकि आपका एसएसटी का पोर्शन आता है 60 मार्क्स का। मैथ साइंस में आपकी 30 नंबर की मैथ रहती है, 30 नंबर की साइंस, और अगर आप ले रहे हैं एसएसटी तो एसएसटी में आपकी कंप्लीट 60 नंबर की जो है आपकी एसएसटी रहती है। तो ये था आज की वीडियो में हमने जो पेपर 2 के बारे में डिस्कस की। आई होप आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं। अगर फिर भी आपके पास कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, हम वो भी आपका क्लियर करेंगे, हो सकेगा जितना जल्दी हम उसके भी आपका रिप्लाई करेंगे। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही था, चैनल को और वीडियो अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट फेसबुक व्हाट्सएप पर शेयर करें। तब तक मिलेंगे नई वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।